गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है लर्निंग इंग्लिश चैनल पर प्रोनाउन की क्लास में। आज हम डिस्कस करेंगे पजेसिव प्रोनाउन का सेकंड पार्ट। स्टार्ट करते हैं। कल हमने डिस्कस किया था कि पजेसिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, उसकी कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि अधिकार, पजेसिव का मतलब होता है अधिकार, अधिकार वाले जो भी प्रोनाउंस होते हैं वो पजेसिव प्रोनाउंस में काउंट होते हैं, जैसे कि माइन, अवर्स, देयर्स। ये क्लियर। फर्स्ट हमने कुछ फोर रूल्स किए थे। फर्स्ट रूल में हमने किया था कि अगर कलेक्टिव नाउन है वो पूरे एक ही क्लास को शो करे तो हम कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं, सिंगुलर प्रोनाउन यूज करते हैं। क्लियर। और न्यूट्रल जेंडर, न्यूट्रल जेंडर मीन्स इट्स हम यूज करते हैं। सेकेंड रूल में हमने किया था कि अगर कलेक्टिव नाउन अलग अलग चीज को अलग अलग क्लास को शो करे, आइडियाज हो गया, कुछ भी हो गया, तो हम उसमें प्लूरल नंबर यूज करते हैं। क्लियर। जैसे कि हमने जूरी वाली एग्जाम्पल डिस्कस की थी कि उन्होंने अपने जो भी विचार हैं वो उनके विचार अलग अलग विचार थे, क्लियर, उसमें डिवाइड हो गए थे। मतलब के ज्यूरी एक कलेक्टिव नाउन था बट उनके विचारों के बेस पे हम इसको काउंट कर रहे हैं, तो हमने यूज किया था देयर किसकी जगह पे, इट्स यानी के न्यूट्रल जेंडर की जगह पे। क्लियर। थर्ड रूल, थर्ड में हमने किया था कि अगर दो या दो से ज्यादा सिंगुलर नाउन किसके साथ कनेक्ट हो, एंड के साथ कनेक्ट हो, तो हम कौन सा नाउन सॉरी कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं, प्लूरल वाला। क्लियर। जैसे कि राहुल एंड नेहा, तो सिंगुलर नाउन है ये, एंड के साथ कनेक्ट है। आर प्रेजेंट फॉर इसकी जगह पे हमने यूज किया था देयर हार्ड वर्क बाय देयर टीचर, प्लूरल वाला हमने यूज किया था। फोर्थ रूल में हमने क्या किया था कि अगर दो अलग अलग सिंगुलर प्रोनाउंस किसके साथ हैं, ज्वाइन है एंड के साथ बट प्रोसीडेड बाय किस किस मतलब किसके उनसे पहले क्या आ रहा है, ईच आ रहा है या फिर एवरी आ रहा है, तो हम कौन सी फॉर्म यूज करते हैं प्रोनाउन की, सिंगुलर फॉर्म। क्लियर। जैसे कि ईच मैन एंड वुमैन मस्ट परफॉर्म हिज ड्यूटीज अनकंडीशनली। क्लियर। हमने यहां तक हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था ये इसकी क्विक रिविजन। अब हम चलते हैं हमारे जो हम करेंगे अभी डिटेल में डिस्कस, रूल नंबर 5। फर्स्ट रूल देख लेते हैं, रूल क्या कहता है। इफ अ सिंगुलर कॉमन नाउन, अगर सिंगुलर कॉमन नाउन इज यूज्ड एज अ क्लास, किसकी तरह यूज हो रहा है, क्लास की और या फिर कम्युनिटी ऑफ अ पर्सन, द पजेसिव फॉर्म फॉर दैट नाउन इज प्रेफर्ड टू बी इन सिंगुलर फॉर्म एंड मस्कुलिन जेंडर। इसका मतलब क्या है, इस डेफिनेशन का मतलब है कि अगर कॉमन नाउन को हम एक क्लास की तरह यूज कर रहे हैं, क्लियर, तो हम जो भी प्रोनाउन यूज करेंगे कौन सा सिंगुलर फॉर्म में और मस्कुलिन जेंडर में। एग्जांपल्स देखते हैं हम, एवरी स्टूडेंट, क्लियर, ऑफ दिस क्लास हैज टू ब्रिंग हिज आई कार्ड और हर आई कार्ड विद देम। क्लियरली कॉमन नाउन है, स्टूडेंट्स हो गई, कॉमन नाउन है, सभी के लिए यूज कर रहे हैं, तो हम हिज और हर में से कौन सा यूज करें, मस्कुलिन जेंडर यानी के हिज। ईच सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, हर एक सिटीजन इस कंट्री का, शुड रिस्पेक्ट देयर मदरलैंड, उसे अपनी मदरलैंड की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो देर यहाँ पे रहूंगा, यहाँ पे क्या आना चाहिए, मस्कुलिन जेंडर सिंगुलर फॉर्म में यानी के हिज। क्लियर। थर्ड, ईच मेंबर ऑफ द क्लब, एक मेंबर इस क्लब का क्या है, बिल पे फॉर हिज और हर लंच, वो पे करेगा अपने लंच के लिए एंड डिनर, डिनर के लिए इन द एक्सकर्सन। तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, हिज हर में, ये फेमिनिन जेंडर है, ये मस्कुलिन जेंडर, तो हम कौन सा यूज करेंगे,
मस्कुलिन जेंडर यानी के हिज यूज करेंगे, ये हर नहीं यूज करेंगे। क्लियर। फोर्थ एग्जांपल देख लेते हैं। एवरी सोल्जर कंप्लीटेड हिज टास्क, हर एक सोल्जर ने अपना टास्क कंप्लीट किया। गिवन टू देम, जो उनको दिया गया था, इन द ट्रेनिंग पीरियड, उनके ट्रेनिंग पीरियड में। यहाँ पे हिज पहले से कौन सा यूज किया गया हमने, मस्कुलिन जेंडर, तो ये जो फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ एग्जांपल है, बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर। फिफ्थ रूल आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम मस्कुलिन जेंडर को यूज करते हैं। अगर कॉमन नाउन है, जो किसकी तरह है, एक हम क्लास की तरह है यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं सिक्स्थ रूल। डेफिनेशन देखते हैं पहले। सिक्स्थ रूल क्या कहता है, व्हेन टू और मोर डिफरेंट सिंगुलर नाउन्स आर जॉइंड, अगर दो या दो से ज्यादा सिंगुलर नाउन है, वो किसके साथ ज्वाइन हो, जुड़े हो, और के साथ, एदर और, नेदर नॉर, नॉट ओनली, व्हाट आस, द प्रोनाउन इज जनरली सिंगुलर। मोस्ट ऑफ केसेस में क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा सिंगुलर नाउन्स और, एदर और, नेदर नॉर, नॉट ओनली, बट आल्सो, इनके साथ ज्वाइन हो, तो मोस्ट ऑफ केसेस में प्रोनाउन है वो कौन सा यूज होता है, सिंगुलर यूज होता है। क्लियर। एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल है रोहित एंड रोहन, दो नाउन हो गए, सिंगुलर नाउन है, डिफरेंट डिफरेंट है, मस्ट लैंड देयर स्पोर्ट टू द पुअर, तो यहां पे ये प्लूरल है, तो यहां पे क्या यूज करेंगे, हिज। क्लियर। एदर द एम्प्लॉय और द मैनेजर फॉरगेट टू फिल देयर प्रोग्रेस रिपोर्ट, या तो एम्प्लॉय या फिर मैनेजर क्या करना भूल गए, रिपोर्ट को फिल करना भूल गए। क्लियर। तो यहां पे देयर क्या है, रॉन्ग है, प्लूरल फॉर्म यूज हुई है, हम यहाँ पे क्या अगेन यूज करेंगे, हम यूज करेंगे यहाँ पे हिज। क्लियर। एदर द एम्प्लॉय और द मैनेजर फॉरगेट टू फिल हिज प्रोग्रेस रिपोर्ट। थर्ड पॉइंट, नेदर ही नॉर हिज फ्रेंड, ना तो उसने ना ही उसके फ्रेंड ने कंप्लीटेड देयर होमवर्क। देयर क्या है यहां पे प्लूरल है, तो अगेन यहां पे क्या यूज होगा, हिज। कैसे, नेदर ही, ना तो वो, नॉर हिज फ्रेंड, ना ही उसका दोस्त, कंप्लीटेड हिज होमवर्क, कि उन्होंने क्या होमवर्क कंप्लीट यानी कि पूरा नहीं किया। आई होप सिक्स्थ पॉइंट, सिक्स्थ रूल क्लियर है। एक बार से फिर देख लेते हैं कि अगर दो या दो से ज्यादा सिंगुलर नाउन है, वो किसके साथ ज्वाइन हो, और, एदर और, नेदर नॉर, नॉट ओनली, बट आल्सो, तो हम मोस्ट ऑफ केसेस में प्रोनाउन कौन सा है, सिंगुलर प्रोनाउन यूज करते हैं। क्लियर। नोट है यहां पे गिवन क्या है, इसको रीड करते हैं। When two or more different singular nouns are joined by or, either or, neither nor, not only, but as, the pronoun is generally used according to the second noun or the noun which comes last. इस पॉइंट का क्या मतलब है कि अगर दो या दो से ज्यादा सिंगुलर नाउन्स किसके साथ ज्वाइन, और, एदर और, नेदर नॉर, नॉट ओनली, बट आल्सो, जो प्रोनाउन यूज होगा वो किसके अकॉर्डिंग यूज होगा, जो सेकंड नाउन गिवन है जनरली उसके अकॉर्डिंग, या फिर जो नाउन लास्ट में आता है उसके अकॉर्डिंग जो प्रोनाउन यूज होता है। क्लियर। ये नोट भी आपने याद रखना है कि कैसे हम यूज करते हैं। ये था पजेसिव नाउन, कंप्लीट हो गया आज हमारा। आई होप आपको सारे के सारे रूल जो है इस प्रोनाउन के, पजेसिव प्रोनाउन के, क्लियर हो चुके होंगे।
क्लियर। अगर किसी को भी डाउट है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, अगर हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।